हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम केयर एक्सप्रेस। और आज हम उन बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अब कुछ भी नहीं खाते हैं और उनको अगर खिलाओ ज़बरदस्ती तो वो वॉमिट कर देते हैं। तो आप कैसे इस समस्या से बाहर आ सकते हैं और इस चीज़ को सॉल्व करके अपने बच्चे को अच्छे से हेल्दी डाइट दे सकते हैं। यहाँ हम दो बच्चों के बारे में बात करेंगे कि एक जो एक साल से छोटे हैं और एक जो एक साल से बड़े हैं। तो जो एक साल से छोटे बच्चे हैं, आप ध्यान दीजिए कि वो 5 से 7 चम्मच तो आराम से खा लेंगे, उसके बाद वो ज़्यादातर नहीं खाते हैं। तो एक साल तक के बच्चों की डाइट ही इतनी होती है कि 5-6 चम्मच ही वो खा पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे 5-6 चम्मच भी नहीं खा रहे, तो जो टिप्स मैं अभी एक साल से बड़े बच्चों के लिए बताने जा रही हूँ, आप वो टिप्स भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो कि एक साल से बड़े हैं। सो एक साल से बड़े बच्चों को जब भी हम सॉलिड्स खिलाना स्टार्ट करते हैं या थोड़ी थोड़ी उनकी क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं सॉलिड्स की, तो जो मिल्क की क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम हो जानी चाहिए। तो अब 700 ml पहले अगर दूध बच्चे को पिलाते थे, सॉलिड्स जब आपने खिलाना स्टार्ट कर दिए तब भी बच्चे को 700 ml पीना है दूध, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज बच्चा डेफिनेटली सॉलिड्स खाने की उसके पेट में जगह नहीं होगी तो वो खा नहीं पाएगा। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे जैसे आप सॉलिड्स की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो आप मिल्क की क्वांटिटी धीरे धीरे कम करते जाइए, बच्चा अपने आप ही सॉलिड्स ज़्यादा खाने लगेगा। जैसे कि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जैसे बच्चे को थोड़ा सा भूख लगा हम फटाफट से उसको दूध दे देते हैं, थोड़ा सा भूख लगा कि फटाफट से दूध दे देते हैं कि अभी लंच का टाइम नहीं है, लंच के टाइम पर सॉलिड देंगे। तो ऐसा नहीं है, थोड़े से बच्चे को वेट करना है कि जब उसको एकदम अच्छे से भूख लगने लगेगी ना तो वो सॉलिड खा लेगा। लेकिन अगर उसके पेट में इतनी सी जगह है तो वो सॉलिड्स खाने में बड़े नखरे दिखाएगा। तो आपको वेट करना है राइट टाइम का, वो राइट टाइम है कि जब बच्चे को अच्छे से भूख लगने लगेगी तभी आप बच्चे को सॉलिड्स ऑफर करें, वो खाएगा उसको आराम से। जब आप स्टार्ट कर रहे हो बच्चे को सॉलिड खिलाना या उसकी क्वांटिटी बढ़ाना, तो आप वो चीज़ें बनाइए जो बच्चे को पसंद है। जैसे कि मेरी डॉटर को राइस बहुत पसंद है, मैं जब पुलाव बनाती हूँ नमकीन वाला जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, और उसकी भी रेसिपी मैं जल्दी से लेके आऊँगी क्योंकि मेरी डॉटर उसको बहुत ही अच्छे से खाती है, तो शायद उसको आपके बच्चे भी अच्छे से खा पाए। तो आप ऐसी चीज़ें फिगर आउट कीजिए जो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में, आप वही चीज़ें बनाएं। आप नमकीन दलिया बना सकते हैं, या आपके बच्चे को अगर मीठा पसंद है तो आप सूजी का हलवा बना सकते हैं, शीरा बना सकते हैं, या फिर आप बच्चे को फ्रूट प्यूरीज दे सकते हैं। तो आप वो चीज़ें बच्चे को दीजिए जो कि बच्चा इंजॉय करता है खाने में, तो उसको एक फन टाइम लगेगा ये चीज़ करने में, अच्छे से सॉलिड्स खाने में, तो वो धीरे धीरे बाकी की भी सारी चीज़ें खाने लगेगा। आप रेसिपीज चेंज करती रहें, जैसे कि मैंने बोला कि आप वो चीज़ खिलाइए बच्चे को जो पसंद है, बट ये नहीं होना चाहिए कि आप सुबह भी उसको पुलाव दे रही हो, शाम को भी उसको पुलाव दे रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरे साथ क्या है, मैं मेरी डॉटर को दाल 1 कटोरी डेली देती हूँ, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन है तो उसको प्रोटीन के सोर्सेस बहुत ज़्यादा कम है, तो दाल उसको मैं ज़रूर देती हूँ। लेकिन उसकी जो एक दाल है, जैसे सपोज़ मैंने आज मूंग की दाल दी, तो 6 से 7 दिन बाद ही उसको वापस से मूंग की दाल मिलेगी। बहुत सारी दाल होती है, मिक्स दाल ले लो आप, उड़द की दाल ले लो, चने की दाल ले लो, अरहर की दाल ले लो, बहुत सारी दाल है जिनको आप रोटेट करके कर सकते हो। फिर मैं दाल में सब्ज़ी मिला के भी खिला देती हूँ, जो भी उसको पसंद है मैं वही चीज़ें करती हूँ, बट मैं उन रेसिपीज़ को थोड़ा सा रोटेट करके रखती हूँ, जिससे कि उसकी जो टेस्ट में थोड़ी सी वेराइटीज़ उसको मिले, अलग अलग चीज़ों को उसको फिगर आउट करे कि अरे इसका टेस्ट तो थोड़ा सा खट्टा है, इसका टेस्ट थोड़ा सा नमकीन है, इसका मीठा है। तो बच्चे को आप अलग अलग वैरायटी की डिशेस खिलाएंगे तो बच्चा बहुत इंजॉय करेगा खाना। अगर बच्चा बिल्कुल भी खाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप उसके साथ में कोई फन एक्टिविटी करें, या आप उसके साथ में कोई गेम खेलते हुए करें, या फिर उसके सामने कोई सॉन्ग गाते हुए उसको खाना खिलाएं, कुछ ऐसा टॉय उसके सामने रख दीजिए, कोई म्यूजिकल टॉय आप रख सकते हैं, तो आप ऐसे टॉयज रख के भी बच्चे को आराम से खाना खिला सकते हैं, बच्चा आराम से खेल खेल में ही खाना खा लेगा। और जब उसको एक बार सॉलिड्स खाने की आदत हो जाएगी तो फिर उसको इस बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आराम से सॉलिड्स खाना स्टार्ट कर देगा। जब भी हम बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस करते हैं 6 मंथ पे, अगर आप याद करें, तो हम बहुत ही पतला और बहुत ही प्यूरीड फॉर्म में बच्चे को खाना देते हैं। बट जब हम 1 साल पे आते हैं तो हम कोशिश करते हैं जैसा हम खाना खा रहे हैं बच्चा उसी फॉर्म में खाए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। बच्चे को एकदम से आप रोटी और सब्जी एकदम से देंगे तो वो नहीं खा पाएगा। रोटी अगर आपको खिलाना है, जो कि खिलाना चाहिए, तो रोटी को आप अच्छे से दाल में डुबो के खिला सकते हैं, रोटी को दूध में डुबो के खिला सकते हैं। मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर भी एक वीडियो लाने वाली हूँ कि आप बच्चे को क्या क्या आइटम्स खिला सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो आप उनमें से कुछ खिला सकते हैं। बट थोड़ा सा आप कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए, जैसे दाल अगर आपको खिला रहे हो, अगर कोई दाल एकदम से कभी कभी बहुत दाने उसके ऊपर से अलग दिखते हैं, वैसी दाल होती है, तो जनरली मेरी डॉटर वैसा नहीं खाती, तो जो चाय छाने वाली छन्नी होती है उसी से मैं चम्मच से थोड़ा दबा के उसको कर लेती हूँ, वो एकदम प्यूरीड फॉर्म भी नहीं बनता बट वो हल्का सा मैश हो जाता है, तो उसको आराम से खा लेती है। पोटैटो मैं उसको दे रही हूँ, तो सादा पूरा पोटैटो नहीं देने की जगह उसको हल्का सा मैश कर लेती हूँ,
वो मैं उसको दे देती हूँ। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए, और जब बच्चा अच्छे से खाना स्टार्ट कर दे तो आप धीरे 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 एकदम से जो प्योर सॉलिड फॉर्म है आप वो दे सकते हैं। अगर आपका बेबी अच्छे से एक्टिव रह रहा है, खेल कूद खूब कर रहा है, बहुत शरारतें कर रहा है और सॉलिड्स वगैरह नहीं खा रहा है, तो आप ये टेंशन मत लीजिए कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ वीकनेस हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे जो टिप्स मैं बता रही हूँ आप इनको फॉलो कीजिए, बच्चा खाना स्टार्ट कर देगा। बट इसमें वरी होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जब बच्चे अपने दूध पीने की हैबिट को छोड़ के सॉलिड्स पे शिफ्ट होते हैं, थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होता भी है, तो इट्स टोटली नॉर्मल। तो इसमें वरी करने वाली कोई भी बात नहीं है। तो आपको एक रूटीन फॉलो करना है कि आपको 1-1.5 साल से ऊपर के बच्चों को एटलीस्ट आपको 4-6 बार खाना देना चाहिए। जैसे आप एक रूटीन फॉलो कर लीजिए, जैसे कि अगर आपका बच्चा 6 बजे उठता है तो आपको सुबह उठते ही आपने उसको दूध दिया, 8 बजे के आसपास आपने उसको टोस्ट वगैरह दे दिया दूध के साथ में, या आपने उसको कुछ शीरा दे दिया, या आपने उसको पोहा दे दिया, कुछ आपने उसको ऐसी चीज़ दे दी, फिर आप उसको फिर 11 बजे कुछ दे दीजिए, फिर 1 बजे दे दीजिए, इस तरह से फिर आपको 2-3 बजे आपने उसको कुछ प्यूरी फॉर्म में कुछ फ्रूट्स दे दिए। इस तरह से आप बहुत सारी वैरायटीज़ भी रख पाएंगे और एक रूटीन फॉलो करेंगे तो बच्चे को आदत हो जाएगी उस चीज़ की कि हाँ ये टाइम मेरा ये खाने का है, तो वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा सॉलिड्स की तरफ में। वहीं आपको ध्यान रखना है कि जब हम 5-6 बार बच्चे को खाना दे रहे हैं पूरे दिन में, तो हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बच्चे को नहीं दे सकते, बच्चा खा भी नहीं पाएगा और डेफिनेटली बच्चा वॉमिट कर ही देगा, क्योंकि उसके पेट में इतनी जगह ही नहीं है, छोटू सा तो बच्चे का पेट होता है और उसमें हम इतनी सारी चीज़ें भरने लगेंगे तो बच्चा उसको नहीं खा पाएगा और वो उसको वॉमिट कर देगा। तो हमें क्वांटिटी थोड़ी 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 करके लेनी है, बट हमें दिन में कई बार बच्चे को खाना खिलाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे को अच्छे से पानी जा रहा है ना, अच्छे से वो पानी पी रहा है ना। क्योंकि देखिए, जब हमारा बच्चा दूध पी रहा होता है तो उसको वहाँ पे पानी मिल जाता है दूध की फॉर्म में, लेकिन एक चीज़ देखिए, जब हम सॉलिड्स खिलाना स्टार्ट करते हैं तो उसका पानी थोड़ा सा कम हो जाता है, पानी उतना नहीं जा रहा है अभी उसकी बॉडी में। तो क्या होता है, बच्चे का जो मुँह है वो थोड़ा सा ड्राई रहने लगता है, तो बच्चे को सॉलिड्स खाने का मन नहीं करता है, उसको लिक्विड खाने का ही मन करता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि बच्चे की बॉडी में बराबर से पानी जाए, अच्छे से पानी जाए। पानी के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो। यस, ये है मेरी तरफ से कुछ टिप्स, और आई होप कि इन सब टिप्स के बाद में आपका बच्चा अच्छे से खाने लग जाए और वॉमिट भी ना करे और आपको परेशान ना करे। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।